हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आई एम नवनील गौड फ्रॉम टैगोर स्कूल परबतसर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अवर सोशल स्टडीज बुक ऑफ क्लास सेवेंथ। एंड डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड वन वन लेसन ऑफ ईच पार्ट ऑफ दिस बुक ऑलरेडी। पहले से ही हम लोगों ने इसके तीन जो पार्ट हैं इस बुक के, उसमें से वन लेसन फ्रॉम ईच पार्ट कंप्लीट कर दिया है और अब हम ये सेकंड राउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं इस अपनी बुक में से। और आज हम सेकंड जो लेसन है हिस्ट्री का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेसन हिस्ट्री पार्ट में से। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अपनी थ्री नोटबुक्स आप यूज कर रहे हैं एक एक पार्ट के लिए अलग अलग, तो उसमें से अब जो वर्क आपको करना है इस लेसन से रिलेटेड, वो आपको हिस्ट्री की नोटबुक में करना है। तीन नोटबुक्स अलग अलग पार्ट्स की हम लोग यूज कर रहे हैं। फर्स्ट हम लोगों ने हिस्ट्री में से वन लेसन कंप्लीट किया था, उसके बाद ज्योग्राफी और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, और अब हम वापस हिस्ट्री में आ गए हैं। हिस्ट्री का सेकेंड लेसन हम लोग शुरू कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। आइए शुरू करते हैं अपना सेकेंड लेसन। द लेसन्स नेम इज न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। न्यू किंग्स यानी नए राजा एंड किंगडम्स यानी साम्राज्य। नए राजा और साम्राज्य, इनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। मुगलों के आक्रमण से पहले, जब मुगल लोग भारत में आए या विदेशी लोगों ने जब भारत पर आक्रमण शुरू किया, उससे पहले अपने देश में भी बहुत सारे ऐसे राजा थे या बहुत सारे राजाओं के ऐसे वंश थे जिन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में राज्य किया। यहां पर इस लेसन में हम ऐसे ही कुछ महान राजाओं और राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे जिन लोगों ने एक लंबे समय तक अपने देश के विभिन्न भागों में शासन किया और उनकी कई उपलब्धियां भी रही। उन्होंने बहुत अच्छे कार्य भी किए और उन्होंने विदेशी लोगों को भारत में घुसने से संघर्ष भी किया। तो आइए ऐसे कुछ नए राजाओं और उनके साम्राज्यों के बारे में स्टडी करते हैं। स्टेपिंग इन यानी अंदर प्रवेश करते हुए, लेसन में हम स्टेपिंग इन कर रहे हैं। द टर्म राजपूत, अपने राजस्थान में जो राजस्थान का नाम है वो पहले राजपूताना था, ऐसा आप लोगों को शायद पता है कि नहीं है, लेकिन राजपूताना नाम जो राजस्थान का था वो राजपूतों के ऊपर नाम था ये। और ये जो टर्म है राजपूत, राजपूत जो टर्म है, टर्म यानी ये जो शब्द है राजपूत, ये कहां से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, इसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है। द टर्म राजपूत आइडेंटिफाइज न्यूमीरियस क्षत्रिय और वैरियर कास्ट्स इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। जो नॉर्दर्न यानी उत्तरी, देखिए नॉर्थ यानी उत्तर होता है, नॉर्दर्न यानी उत्तरी और वेस्ट यानी होता है पश्चिम, तो वेस्टर्न यानी हो गया पश्चिमी। जो उत्तरी और पश्चिमी इंडिया है, भारत है, देखिए अपने भारत का जो ये मैप है इसमें जो ऊपर का हिस्सा है ये नॉर्दर्न इंडिया है, उत्तर उत्तर दिशा ऊपर होती है, नॉर्थ लिखा हुआ रहता है मैप में भी ऊपर, तो ऊपर का जो इंडिया है अपना वो नॉर्दर्न इंडिया कहलाता है। और वेस्टर्न ये जो इधर का एरिया है जिसमें अपना राजस्थान भी है, ये हिस्सा पश्चिमी हिस्सा है तो ये वेस्टर्न इंडिया कहलाता है। तो अभी जो बात हो रही है वो नॉर्दर्न इंडिया की और वेस्टर्न इंडिया की हो रही है। तो इस नॉर्दर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में जो कई ऐसे जातियां थी, कास्ट यानी कई ऐसी जातियां थी जो वैरियर थी यानी योद्धा थी, वो युद्ध लड़ने में बड़ी महारथी थी, युद्ध लड़ने में आगे रहती थी, ऐसी कुछ जो जातियां कास्ट यानी जातियां थी जो वैरियर कास्ट थी यानी लड़ाकू या योद्धा जातियां थी, या जिनको क्षत्रिय भी कहा जाता है, क्षत्रिय या वैरियर, देखो ये दोनों शब्द एक ही है, वैरियर यानी योद्धा, क्षत्रिय यानी जो शस्त्रों को धारण करता है। तो क्षत्रिय और वैरियर इस तरह की जो जातियां थी नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में, न्यूमीरियस यानी बहुत सारी जातियां थी, उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको उनकी जो पहचान है वो राजपूत शब्द से की जाती है। तो राजपूत कौन है? राजपूत अब तो एक कास्ट बन गई है, लेकिन जब राजपूत
राजपूतों का उद्भव हुआ तो वो वे जातियां थी राजपूत जो योद्धा जातियां थी, जो क्षत्रिय क्षत्रिय जातियां थी नॉर्दर्न इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में। तो राजपूत शब्द उन जातियों को आइडेंटिफाई करता है। द टर्म राजपूत, ये जो राजपूत शब्द है कम्स फ्रॉम राजपुत्र, ये राजपुत्र से आया हुआ शब्द है। देखो राजा का पुत्र मतलब राजपुत्र, जिन्होंने जो राजा हुए थे पुराने समय में उनके जो वंशज थे उनको राजपुत्र कहा गया और राजपुत्र से बन गया राजपूत। तो राजपूत कम्स फ्रॉम राजपुत्र, राजपुत्रा से आता है ये जो टर्म है राजपूत, ये राजपुत्र से आती है। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है सन ऑफ किंग्स, राजाओं का लड़का। यानी राजाओं का जो पुत्र होता है वो राजपुत्र कह सकते हैं उसको अपन, और उसी से शब्द बना है राजपूत। राजपूत्स आर फेम्ड, राजपूत, राजपूत जो थे वो राजपूत जो हैं वो प्रसिद्ध हैं फॉर देयर फाइटिंग एबिलिटीज, उनकी जो लड़ने की जो क्षमता है राजपूतों की उसके लिए वो प्रसिद्ध हैं। एंड वंस, और एक बार रूल्ड, उन्होंने शासन किया न्यूमेरियस इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब है रियासत, छोटे छोटे राज्य होते थे पहले, बड़े राज्य नहीं होते थे जितने बड़े आज हैं, जैसे राजस्थान है, ये इतने बड़े राज्य नहीं हुआ करते थे, छोटे छोटे कुछ गांव के राज्य जिनको रियासत कहते थे इंग्लिश में, जिनको प्रिंसली स्टेट कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरियस यानी असंख्य या बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स पर यानी रियासतों पर उन्होंने रूल किया यानी शासन किया। ये जो राजपूत थे इन्होंने बहुत सारी रियासतों पर शासन किया, प्रिंसली स्टेट्स पर, और इनकी जो फाइटिंग एबिलिटीज थी, लड़ने की जो क्षमता थी उसके लिए ये बड़े प्रसिद्ध थे। द ब्रिटिश, जो अंग्रेज थे, ग्रुप्ड यानी उन्होंने ग्रुप बनाया यानी सम्मिलित किया, मिला करके बड़ा एरिया बनाया। ब्रिटिश ग्रुप्ड, ब्रिटिश लोगों ने यानी अंग्रेजों ने ग्रुप्ड यानी सम्मिलित किया, ग्रुप बना दिया मैनी ऑफ दीज स्टेट्स। इस तरह की जो छोटे छोटे स्टेट्स थे, जो छोटी छोटी रियासतें थी, उनको अंग्रेजों ने, ब्रिटिश लोगों ने ग्रुप बना दिया उनका, यानी छोटी छोटी रियासतों को मिला करके एक ग्रुप बना दिया इनटू राजपुताना प्रोविनेंस। प्रोविनेंस का मतलब होता है प्रांत, जिसको आज अपन राज्य कहते हैं, प्रोविनेंस का मतलब होता है प्रांत। तो राजपुताना जो प्रांत था, अंग्रेजों ने एक नया प्रांत बना दिया था राजपुताना प्रोविनेंस, यानी राजपुताना प्रांत, ऐसा एक प्रोविनेंस अंग्रेजों ने बना दिया कुछ छोटी छोटी रियासतों को, प्रिंसली स्टेट्स को ग्रुप बना करके ये एक प्रोविनेंस बना दिया, प्रांत बना दिया, जिसका नाम रखा राजपुताना, आज जिसका नाम राजस्थान है अपना। तो ये राजपुताना प्रोविनेंस बना दिया उन्होंने। टुडे, आज इट इज द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान, आज ये राजस्थान राज्य है भारत का, जिसका नाम पहले राजपुताना प्रोविनेंस था। इन 1192, 1192 में, सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान, नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान बहुत वीर पुरुष थे, बहुत वीर राजा थे, जिन्होंने मोहम्मद गोरी से लड़ाई लड़ी थी और उसको अनेकों बार हराया था, लेकिन कहते हैं 18 बार उसको हराया था और उसको छोड़ दिया, लेकिन उसने जब चाल चली और उसने जब इनको हरा दिया एक युद्ध में, तो उसने इनको नहीं छोड़ा, ऐसी कहानी चलती है। तो वो पृथ्वीराज चौहान, तो ये 1192 में, आज अभी 2020 चल रहा है, ये लगभग 1000 साल पहले, लगभग 900 1000 साल पहले की बात चल रही है ये। 1192 या 1192 में पृथ्वीराज चौहान लेड द राजपूत्स, राजपूतों का नेतृत्व किया पृथ्वीराज चौहान ने 1192 में अगेंस्ट द मुस्लिम मुगल इन्वेडर। इन्वेडर का मतलब होता है हमला करने वाला, हमलावर या आक्रांता, जो आक्रमण करता है बाहर से आता है, जो लोग बाहर से आए, बाहर से आकर के भारत पर जिन्होंने आक्रमण किया वो इन्वेडर कहलाते हैं, आक्रांता या हमलावर कहलाते हैं।
तो पृथ्वीराज चौहान ने जो राजपूत थे उनको लैड किया, उनका प्रतिनिधित्व किया, उनका नेतृत्व किया। मुस्लिम मुगल इन्वेडर, एक मुस्लिम मुगल आक्रमणकारी था मोहम्मद गोरी नाम का, उसके अगेंस्ट में, उसके विपरीत, उसके विरोध में इस पृथ्वीराज चौहान ने राजपूतों का नेतृत्व किया। हु डिफिटेड देम, और जिस पृथ्वीराज चौहान ने फिर उस मोहम्मद गोरी ने, हालांकि उसको कई बार हराया पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया। तो हु यानी जिस गोरी ने, मोहम्मद गोरी ने, हु डिफिटेड जिसने हरा दिया, देम यानी उनको यानी राजपूतों को, एट द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन के दूसरे युद्ध में। तराइन एक जगह का नाम है जहां पर युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध भी हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध भी हुआ। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने राजपूतों को हरा दिया, जिसका नेतृत्व पृथ्वीराज चौहान कर रहा था। नियर दहली, दिल्ली के पास में ये तराइन का युद्ध हुआ। दिस ये जो जीत मिली उसको, मोहम्मद गोरी को, इस जीत ने, दिस यानी इस जीत ने फ्रिमली यानी मजबूती से एस्टाब्लिश्ड यानी स्थापित कर दिया मुस्लिम पावर, मुस्लिमों की, मुसलमानों की जो पावर यानी शक्ति को इस युद्ध ने, इस जीत ने, ये जो जीत मिल गई उसको तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी को, इस युद्ध ने, इस जीत ने उन मुस्लिम पावर को, मुसलमानों की ताकत को एस्टाब्लिश कर दिया, स्थापित कर दिया, एंड एंडेड और खत्म कर दिया राजपूत डोमिनेंस, राजपूतों का प्रभुत्व। डोमिनेंस यानी प्रभुत्व, यानी मोहम्मद गोरी के आने से पहले राजपूतों का प्रभुत्व था अपने देश में, विशेष रूप से उत्तरी भारत में, नॉर्दर्न इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में। राजपूतों की छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, रियासतें हुआ करती थी, वो उन पे राज्य करते थे, और जो भी बाहर से आते थे उनको खदेड़ भी देते थे। लेकिन ये जो मोहम्मद गोरी को तराइन के सेकंड बैटल में ये जो वो उसको जीत मिल गई, वो विन कर गया, उससे ये लोग जो इस्लाम, जो इसमें लिखा हुआ है इस्लाम, इस्लामिक पावर को, इसमें जो शब्द आया था अभी, ये किसको एस्टैब्लिश कर दिया, मुस्लिम पावर, मुस्लिम पावर को एस्टैब्लिश कर दिया इस जीत ने, मुस्लिम ताकत को भारत में स्थापित कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया। और राजपूतों का जो प्रभुत्व था, ऐसा नहीं है राजपूत खत्म हो गए थे, लेकिन अभी तक जो उनका डोमिनेंस था, उनका जो प्रभुत्व था, यानी वही लोग राज्य करते थे, वो एंड हो गया, एंडेड यानी इस चीज ने उनको, उनके इस प्रभुत्व को खत्म कर दिया। द ओनली राजपूत किंगडम्स, यानी वैसे तो पहले बहुत राजपूत किंगडम थे, लेकिन अब जो राजपूत किंगडम एक ही था ऐसा, जिसने उनको मतलब मुस्लिम पावर से जो टकराते रहे। द ओनली राजपूत किंगडम्स दैट कुड चैलेंज, केवल एकमात्र राजपूत किंगडम था, साम्राज्य था, जिसने चैलेंज किया, जिसने चुनौती दी मुगल रूल, मुगल जो शासन था उसको चुनौती देने वाला, चैलेंज देने वाला एकमात्र ओनली किंगडम कौन था, वर यानी थे, दोज इन द ग्रेट थार रिजल्ट, जो कि थार के रेगिस्तान में, महान थार का जो रेगिस्तान है, अपना जो राजस्थान है वो थार डेजर्ट है, जो जैसलमेर बाड़मेर में जो रेगिस्तान है वो थार का रेगिस्तान कहलाता है, थार रिजल्ट। तो जो अपना ग्रेट थार डेजर्ट है वहां पर जो, यानी राजस्थान के जो राजपूत थे उन्होंने चुनौती दी, विशेष रूप से मेवाड़ के जो राजपूत थे उन्होंने चुनौती दी, वो टकराते रहे मुगल पावर से। यहां पर ये लिखा हुआ है, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल रीड, हम पढ़ेंगे अबाउट मैनी सच न्यू किंग्स, इस तरह के बहुत सारे नए नए राजाओं के बारे में, एंड किंगडम्स और साम्राज्यों के बारे में, दैट हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, जिन्होंने रखा एक प्रभावी, एक महत्वपूर्ण प्रभाव, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट यानी महत्वपूर्ण प्रभाव जिन्होंने रखा ऐसे राजाओं और उनके किंगडम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास पर।
इंडियन हिस्ट्री पर जिन्होंने सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रखा, प्रभावी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, ऐसे राजा, ऐसे किंग्स और उनके किंगडम यानी उनका साम्राज्य, उनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। एक नाम आता है हर्ष। हर्ष एक राजा का नाम है, हर्ष, जिसका पूरा नाम था हर्षवर्धन। हर्ष हु नॉन एज हर्षवर्धन, हर्ष नाम का एक राजा था, महाराज हर्ष, और उनका पूरा नाम था हर्षवर्धन। वॉज एन इंडियन एम्परर, ये एक भारतीय शासक थे, राजा थे। हु रूल्ड, जिन्होंने शासन किया नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में, फ्रॉम 606 टू 647, यानी लगभग 41 साल तक इन्होंने राज किया, 606 से लेकर के 647 तक। सीई का मतलब होता है कॉमन इरा, यानी सन मान लो आप, सन 606 से लेकर के 646 तक महाराज हर्षवर्धन ने नॉर्थ इंडिया में शासन किया। आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, नॉर्दर्न इंडिया जो उत्तरी भारत है ब्रॉक अप, टूट गया इनटू न्यूमेरियस स्मॉलर किंगडम्स। यानी ये जो महाराजा हर्षवर्धन थे, इनकी मृत्यु के बाद में जो उत्तरी भारत था वो छोटे छोटे रियासतों में टूट गया, स्मॉलर किंगडम्स यानी छोटे छोटे साम्राज्यों में ब्रॉक अप हो गया, यानी टूट गया। टूट गया मतलब बट गया। मैनी ऑफ विच, जिनमें से कई, वर रूल्ड, जिनके जिनमें से कईयों के ऊपर फिर शासन किया बाई द राजपूत्स। राजपूतों ने फिर वो जो साम्राज्य टूटा था महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में, उनमें से कई छोटे छोटे स्मॉलर जो किंगडम बने उन पर राजपूतों ने शासन किया। राजपुत्र भी कह सकते हैं, राजपूत भी कह सकते हैं। अलोंग विद टू अदर पावरफुल किंगडम्स, दूसरे दो, अलोंग विद टू अदर पावरफुल किंगडम्स, टू यानी दो दूसरे ताकतवर साम्राज्यों के साथ, दो दूसरे पावरफुल किंगडम्स के साथ, द प्रतिहार्स ऑफ द राजपूत क्लैन, राजपूत वंश के, एक राजपूतों के कई वंश थे, क्लैन यानी होता है वंश, राजपूतों का जो वंश था वो कई वंश चले राजपूतों के, तो उसमें से एक था प्रतिहार, प्रतिहार वंश भी था, वो भी राजपूतों का वंश था। द प्रतिहार्स, प्रतिहार ऑफ द राजपूत क्लैन, राजपूतों का जो वंश था उसमें एक प्रतिहार वंश था, रूल्ड यानी इन्होंने शासन किया अपॉन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में, फ्रॉम अराउंड 750 सीई टू 1000 सीई, यानी लंबा शासन किया इन्होंने, 250 सालों तक शासन किया इन्होंने, 750 से लेकर के 1000 सीई तक नॉर्दर्न इंडिया यानी उत्तरी भारत पर प्रतिहार वंश ने, जो राजपूतों का ही एक वंश था, प्रतिहार वंश ने शासन किया, रूल्ड किया। दिस वॉज फॉलोड बाई द राजपूत क्लैन्स, और इसके बाद में दूसरे जो ये सन 1000 तक तो प्रतिहार ने किया नॉर्दर्न इंडिया में, उससे भी पहले कौन था, महाराजा हर्ष थे, जिन्होंने 600 के लगभग, 600 यानी 650 के लगभग, यानी सन 650 तक, 4750 मान लो, 650 सीई तक तो महाराजा हर्षवर्धन ने किया, फिर 650 के बाद 750 से लेके 1000 साल तक प्रतिहारों ने नॉर्दर्न इंडिया पे शासन किया, और उसके बाद में दिस वॉज फॉलोड बाय द राजपूत क्लैन सच एज द तोमर्स, और उसके बाद राजपूतों के दूसरे वंशों ने शासन किया, प्रतिहार भी राजपूत थे जिन्होंने सन 1000 तक शासन किया उत्तरी भारत पर, नॉर्दर्न इंडिया पर, उसके बाद तोमर आ गए, तोमर हु बिल्ट द सिटी ऑफ दिल्ली का, दिल्ली, जिन्होंने दिल्ली जो शहर है वो तोमरों ने बसाया, तोमर जो वंश था राजपूतों का, उन्होंने दिल्ली बसाई 1000 के बाद में, उन्होंने राज्य किया। विच वॉज फॉलोड बाई चौहान्स, और उसके बाद में चौहान आ गए, फिर आ गए चंदेल, फिर परमार और सोलंकी, कलाचूरी और गढ़वाल एंड गुहिल, ये और ये भी सारे जो नाम हैं ये राजपूतों के वंशों के नाम है, क्लैंस यानी वंशों के नाम है, इन्होंने 1000 के बाद में इन्होंने शासन किया। हु स्टार्टेड बिल्डिंग देयर रेस्पेक्टिव किंगडम्स, और जिन्होंने कि
स्टार्टेड यानी शुरू किया बिल्डिंग यानी बनाना देयर रेस्पेक्टिव किंगडम, उनका जो संबंधित साम्राज्य था अपना अपना अलग अलग, उन्होंने ये जितने भी नाम आए इनका अलग अलग साम्राज्य था और इन्होंने अपना अलग अलग साम्राज्य किंगडम रेस्पेक्टिव यानी संबंधित अपना अपना साम्राज्य बिल्डिंग किया यानी बनाया। ड्यूरिंग 8th to 10th century, 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच में यानी 800 से 1000 के बीच में द प्रतिहार्स, अभी अभी पढ़ा अपन ने प्रतिहार्स, देखो 800 से 1000 के बीच में द प्रतिहार्स द पाल्स एंड द राष्ट्रकूट, ये तीन बड़े मजबूत वंश थे जिन्होंने राज्य किया। 8th सेंचुरी से लेके 10th सेंचुरी तक, सेंचुरी 100 सालों का एक टाइम होता है, 100 सालों की एक सेंचुरी होती है, तो 8th सेंचुरी से लेके 10th सेंचुरी तक यानी लगभग 700 से लेकर के और 1000 तक, सन 700 से लेकर के और 10th सेंचुरी का मतलब हो गया 900 तक, तो 700 से लेकर 900 तक जो ये साम्राज्य उस चला, या आप सन 1000 तक मान सकते हो 10th सेंचुरी तक, तो उस समय में तीन जो वंश थे वो बड़े प्रभावी थे, एक तो थे प्रतिहार, एक थे पाल और एक थे राष्ट्रकूट। ये तीन वंश बड़े प्रभावी रहे सन 1000 तक या 10th सेंचुरी तक, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ध्यान में रखना है ये सब आपको कि ये बड़े प्रभावी रहे। वर इन्वॉल्व्ड इन वॉर, ये आपस में लड़ते रहे हालांकि, लेकिन ये तीन बड़े थे। इन्वॉल्व्ड इन वॉर यानी युद्ध में ये संलग्न थे, युद्ध में ये इंक्लूड थे, इन्वॉल्व्ड थे विद ईच अदर, एक दूसरे से, यानी इनके बीच में ज्यादा संघर्ष चलता था प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में, ईच अदर। हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब, जो इतिहासकार हैं, हिस्टोरियंस हैं, ऑफन यानी प्राय है, डिस्क्राइब यानी वर्णन करते हैं, इट यानी इसका, एज द ट्राइपरटाइट स्ट्रगल, इसको ट्राइपरटाइट स्ट्रगल के नाम से इसका वर्णन करते हैं। ट्राइपरटाइट का मतलब होता है त्रिपक्षीय, तीन पक्षों में जब कोई संघर्ष होता है तो उसको ट्राइपरटाइट स्ट्रगल कहते हैं। तो इसको इतिहासकार, जो इतिहास लिखने वाले लोग हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो इस चीज को, इन तीनों के बीच में जो संघर्ष होता था प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में, इसको इतिहासकारों ने ट्राइपरटाइट स्ट्रगल के नाम से इसका वर्णन किया है, डिस्क्राइब किया है। दे फॉट, वे लड़े, ये तीनों लड़े टू एस्टैब्लिश कंट्रोल, नियंत्रण स्थापित करने के लिए लड़े, यानी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए इनके बीच में युद्ध होता था। ये किस लिए लड़े, दे फॉट, ये लड़े टू एस्टैब्लिश यानी स्थापित करने के लिए, कंट्रोल यानी नियंत्रण, अपोन यानी ऊपर, किसके ऊपर, अपोन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए इन तीनों के बीच में स्ट्रगल होता था, संघर्ष होता था। अलोंग विद कन्नौज, और साथ में कन्नौज पर वर्चस्व करने के लिए भी, कन्नौज पर अपना अधिकार करने के लिए भी इनके बीच में संघर्ष हुआ, तीनों के बीच में, तीनों वंशों के बीच में। अब कन्नौज क्या थी, कन्नौज एक शहर था, कन्नौज विच वाज स्ट्रेटेजिकली ए वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, कन्नौज एक सिटी थी, एक शहर था कन्नौज, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण था, इंपॉर्टेंट था, कैसे था, स्ट्रेटेजिकली यानी रणनीति के हिसाब से ए वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर था कन्नौज, जो था स्ट्रेटेजी के हिसाब से, रणनीति के हिसाब से, कैसे इंपॉर्टेंट था, लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा, जो गंगा नदी है उसके तट पर, उसके बैंक पर ये कन्नौज शहर है, आज भी है, कन्नौज जिला है। तो कन्नौज जो शहर था उस जमाने में, बहुत प्राचीन शहर है कन्नौज, तो वहां ये जो कन्नौज शहर था ये गंगा नदी के तट पर है, और इस पर अधिकार करने के लिए इनमें युद्ध हुआ तीनों वंशों में। और क्योंकि ये कन्नौज जो शहर था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रणनीति के हिसाब से, स्ट्रेटेजी के हिसाब से, क्या है ऐसा यहां पर, इट कंटेंड रिच रिसोर्सेज ऑफ द रिवर, ये जो इस रिवर गंगा है, गंगा नदी के जो समृद्ध संसाधन है, देखिए नदी जब बहती है ना,
तो उसके आसपास इलाका उपजाऊ होता है। इसके अलावा नदी में भी कई नदी से भी कई चीजें प्राप्त होती है, पानी मिलता है, तो एक रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं नदी से। तो यहाँ इस गंगा नदी के जो रिच रिसोर्सेज थे, समृद्ध जो संसाधन थे, वो यहाँ पर थे कन्नौज में, ऑफ द रिवर, उस नदी के, अलोंग विद ट्रेड यानी व्यापार भी था साथ में, एंड एग्रीकल्चर और खेती और कृषि भी थी। तो क्योंकि गंगा नदी बहती थी तो वहां पर पानी की कमी नहीं थी, इलाका पूरा सिंचाई से भरपूर था, तो अच्छी फसलें होती थी, एग्रीकल्चर अच्छा था और व्यापार यानी ट्रेड भी अच्छा होता था। तो इस दृष्टि से ये जो कन्नौज शहर था, कन्नौज जो सिटी थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो इसके लिए भी उत्तरी भारत के साथ साथ, नॉर्दर्न इंडिया के साथ साथ, इन तीनों में कन्नौज सिटी के लिए भी स्ट्रगल हुआ। ड्यू टू वैगिंग वॉर, वैगिंग यानी छिड़ना, वॉर यानी युद्ध, युद्ध छिड़ने के कारण फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, लगभग 200 साल तक युद्ध चलता रहा उत्तरी भारत में, नॉर्दर्न इंडिया में लगभग 200 ईयर्स तक जो वॉर, वैगिंग वॉर यानी युद्ध छिड़ता रहा। ऑल द थ्री पावर्स गॉट वीकेंड, ये जो तीनों बड़े पावर थे, कौन कौन, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, ये जो तीनों बड़े पावर थे, ये 200 सालों तक युद्ध करते करते वीकेंड यानी कमजोर हो गए, लड़ लड़ के खुद ही कमजोर हो गए। एंड लेटर और बाद में कन्नौज वाज ऑक्यूपाइड, कन्नौज को अधिकार किया, कन्नौज पर बाद, यानी लड़ते तो ये तीनों रहे कन्नौज के लिए, लेकिन बाद में जब ये लड़ लड़ा के थक गए, कमजोर हो गए, तो कन्नौज पर ऑक्यूपाई कर लिया यानी कन्नौज के ऊपर अधिकार कर लिया बाई द गढ़वाल्स। गढ़वालों ने फिर उस पर अधिकार कर लिया। गढ़वाल भी वंश है, गढ़वाल भी राजपूतों का वंश है, तो गढ़वालों ने फिर इस पर कब्जा किया कन्नौज पर, क्योंकि 200 सालों तक इनके बीच में वार चलता रहा, युद्ध चलता रहा, तो ये वीक हो गए, कमजोर हो गए ये तीनों, तो गढ़वालों ने फिर इस पर, कन्नौज पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर, एक्चुअली टाइम अपना ओवर हो गया है, वी हैव टू फिनिश द वीडियो, वीडियो को फिनिश करना होगा। वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में अभी तो जो स्टोरी पढ़ रहे हैं अपन, एक तरह से आप इसको आनंद पूर्वक पढ़िए, आप इसको टेंशन में मत पढ़िए, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रहे हैं, जैसे कोई अपन मजेदार कहानी पढ़ रहे हैं, इस तरीके से आप इसको पढ़िए, इंटरेस्ट लेकर पढ़िए, तो बड़ा आपको मजा आएगा इसमें और अच्छा लगेगा आपको, नॉलेज भी बढ़ेगा। लेकिन साथ में आप ये ध्यान रखिए कि जो नए वर्ड्स आते हैं बीच बीच में, उनको पकड़ने की कोशिश कीजिए, उनको लर्न करने की कोशिश कीजिए, कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग लर्न कीजिए ताकि आपकी वोकेबुलरी मजबूत हो, वो वर्ड जब वापस कभी आए तो आप उसका मतलब समझ सकें। तो मैं वर्ड टू वर्ड चलता हूं, एक एक शब्द का अर्थ मैं आपको बता करके आगे बढ़ रहा हूं, मैं केवल सेंस नहीं बता रहा हूं, मैं सेंस के साथ साथ वर्ड टू वर्ड आपको मीनिंग बता रहा हूं। तो आप नए नए शब्दों को समझने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें, ताकि आपका जो शब्द ज्ञान है, जो आपका शब्द कोश है, जो आपकी वोकेबुलरी है, वो बिल्टअप हो सके, मजबूत बन सके, और आपकी इंग्लिश का नॉलेज भी बढ़े और आपका ये हिस्ट्री का नॉलेज भी बढ़े। तो ध्यान पूर्वक चीजों को सुनिए और मजा लेकर सुनिए, आनंद से सुनिए, और चीजों को लर्न करने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते रहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय, सी यू।